हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए गाइस, एक पैटर्न लेकर आई, बहुत आसान पैटर्न है। इसको बिगनर्स भी बहुत आराम से अच्छे से बना सकते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 2 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस सलाइयों में ये डिज़ाइन कम्प्लीट होता है। एक सिलाई पर डिज़ाइन डलता है, लेकिन 4 सिलाइयों में ही कम्प्लीट होता है। मैं ऐसे डिज़ाइन लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि बनाने में आपकी आपको आसानी हो और आपका टाइम भी बचे और आप लोग बहुत जल्दी ऐसे प्रोजेक्ट्स को बना सकें। और गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि बगल में मेरा बच्चा खेल रहा है और अभी वो मेरे पास है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती हूँ। वैसे तो जब वो सो जाता है तब मैं वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन आज वो ना अर्ली मॉर्निंग 3 AM जाग गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर वीडियो शूट कर लेती हूँ। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो गाइस, ये पैटर्न जो है बहुत आसान है, बिगनर्स इसको बहुत आराम से बना सकते हैं, इवन कोई भी इसको आराम से बना सकता है। तो देखिए, यहाँ पे पैटर्न की जो फर्स्ट रो है फ्रंट साइड से है, और यहाँ पे नॉर्मल वूल मैं यूज़ कर रही हूँ और 10 नंबर की इसमें सलाइयाँ यूज कर रही हूँ। तो फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो है, तो देखिए सबसे पहले पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ठीक है? स्लिप कर लीजिए या बुन लीजिए। तो फर्स्ट फंदा चलिए हम बुन लेते हैं। अब देखिए, ये 2 फंदे जो है इसके आगे जो है एक लूप निकालना है यहाँ से हमें, ठीक है? इसके बाद धागा हम अपनी तरफ लाएंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2। तो देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे बन गए एक्स्ट्रा, 1 और ये 2 लूप वाले फंदे। तो इन दोनों को हम इन दोनों फंदों के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। यही बस रिपीटेशन करेंगे बार बार। देखिए, यहाँ से फिर से एक लूप लेंगे हम इस तरह से, 1, धागा अपनी तरफ लाके दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 एंड 2। तो ये जो 2 लूप हैं, इन दोनों लूपों को दोनों फंदों के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। फिर से वही करेंगे, देखिए 2 फंदों के बीच से एक लूप बनाएंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर से देखिए, वन टू, ये जो 2 लूप हैं इनको इन दोनों को दोनों फंदों के ऊपर से पास कर देंगे, एजेस को सीधा बनाएंगे। तो देखिए, पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। पैटर्न की सेकंड रो है जो कि हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं, तो पहला फंदा तो स्लिप कर लेंगे और बाकी सभी फंदों को एक एक करके उल्टा बना लेंगे हम इस तरह से। ऑल्सो गाइस, मैं आपको इंस्टा पे भी मिल जाऊंगी, मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, और वहाँ पे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं मुझसे कनेक्ट रहते हैं, मुझसे बात भी करते हैं। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपना कोई भी डिज़ाइन शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ये देखिए, हमने ये सेकंड रो बना ली। अब पैटर्न की थर्ड रो है, बनानी तो ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो आपने देखी डिज़ाइन बनाई है गांठ टाइप से, ये जो डिज़ाइन बनी है 1 2 3 4, ये अब जो नेक्स्ट डिज़ाइन होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों के इनके बीच में, सेंटर में। तो देखिएगा, यहाँ पहला फंदा स्लिप करेंगे, ठीक है? उसके पहले हमने यहाँ से लूप निकाला था, अब हम पहले एक फंदा सीधा बना लेंगे, ठीक है? अब इन दोनों के फंदों के इस साइड से लूप निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से धागा अपनी तरफ लाएंगे, दोनों फंदों को एक एक करके हम सीधा बना लेंगे इस तरह से, ठीक है? अब इस तरह से हम ऐसे बनाएंगे, फिर से वही करेंगे। देखिए, ऐसे लूप निकालेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ ला के 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 एंड 2। ये देखिए, फिर से देखिए, धागा इस तरफ लाएंगे, दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, ये देखिएगा, ठीक है? एक फंदा लास्ट में हम सीधा बना लेंगे, एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड से आ जाएंगे पैटर्न की फोर्थ रो। पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऑल्सो गाइस, मेरे अदर्स चैनल भी हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक आपने अगर चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। अगर आप मेकअप के शौकीन हैं, DIY, स्किन केयर, हेयर केयर और लाइफस्टाइल के वीडियो, क्लॉथिंग्स के हॉल्स के रिव्यूज़ के वीडियोज़ देखना चाहते हैं,
तो मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ जो है मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये चार सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है तो पैटर्न बहुत खूबसूरत बनेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर जब आप इसे किसी बड़े प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ये बना के रखा हुआ है। ये देखिए ज़्यादा फंदों पर जब आप बनाएंगे तो इस तरह से ये दिखाई देगा, बहुत सुंदर दिखता है। और देखिए रॉन्ग साइड से ये इस तरह से दिखाई देता है। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ इंस्टा पर शेयर कीजिएगा। गाइज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे देखिएगा आप सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा रेड कलर से, उसे प्रेस कर दीजिएगा। साथ में बेल बटन का जो आइकन है उसके बगल में घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो और कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।